नमस्कार, बाबा द स्कूल ऑफ म्यूज़िक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र मिश्रा आप लोग के सामने इस बार बहुत ही ख़ास चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं हम लोग। क्या है कि ये सभी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे रियाज करते हैं या बजाते हैं तो उसमें सितार अनट्यून है और वो बजाने में अच्छा नहीं लगता है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है और मन भी नहीं करता फिर बजाने का। तो उसके लिए कैसे सितार को मिलाया जाए ये इस लेसन में हम आज बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार, चौथा तार, पांचवा तार, जैसे कैसे कैसे ट्यून कैसे होता है। तो क्या है कि सितार देखिए डी स्केल में नॉर्मली मिलाया जाता है, कभी कभी डी शार्प में मिलता है और कभी सी शार्प में बस मिलता है, इसके ऊपर नीचे ही बस होता है। लेकिन नॉर्मली अगर सितार आप बजा रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए तो सिर्फ और सिर्फ डी स्केल में रखेंगे तो सितार का साउंड सबसे बेस्ट सुनाई देगा आपको। तो जैसे आपके पास तानपुरा मशीन है, नॉर्मली अब तो जैसे कि ये ऐप भी आने लगे हैं तो आप एक कोई ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए, तानपुरा के नाम से आता है। तो उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उस पर से सेटिंग में डी स्केल लगा के और जैसे कि हमारे पास ये है, जैसे क्या है कि पूरा अभी सितार अनट्यून है इसको ट्यून करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि ये जो बज रहा है इसके हिसाब से सबसे पहले हम मन में सा एक अपने मन में गुनगुनाना है, सा तो शुरू करेंगे दूसरे तार से सबसे पहले जिसको बोलते हैं जोड़ी का तार, जो कॉपर का होता है उसका नाम है जोड़ी का तार। तो अपने मन में उसको कंटिन्यू गुनगुनाना है सा, आपको सुनते रहना है कि एकदम परफेक्ट ये सा में मिला है कि नहीं, कि दूसरा तार जो है वो सा में मिलता है सा। तो दूसरा तार सबसे पहले मिल गया, उसके बाद अब आएंगे तीसरे तार पे, वो जो है गंधार में मिलता है। तो जैसे कि सा रे तो ग अंदर आपको गुनगुनाना है ग, ग ग हल्का तार को जब मिला रहे हैं तो हल्का सा इसको पकड़ के लूज करते रहेगा, उससे क्या है कि परफेक्टली मिल जाएगा। कि जैसे आप मिला लिए उसके बाद अगर फिर से तार बजा रहे तो अप डाउन होता चला जाएगा। तो जब भी मिला रहे थोड़ा तार को अगर आप ऐसे पकड़ के खींच लेंगे तो एडजस्ट अच्छे तरीके से वो हो जाएगा। जैसे तो जब खींचेंगे इसको ऊपर तो फिर से वो डाउन हो जाएगा हल्का सा। गम ये मिल गया, अब आते हैं चौथे तार पे। चौथा तार जो है वो पंचम में मिलता है। तो सा रे ग म प, फिर हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो गया, उसको फिर से ट्यून करेंगे क्योंकि मिलाते मिलाते जो अगल बगल के तार हैं
उसके बजाने से भी जो पहला तार आप मिला चुके हैं वो थोड़ा अनट्यून हो जाता है, तो वो एक दो बार लगेगा उसको ट्यून करने में। ये चौथा तार आपका पंचम में मिल गया, अब ये पांचवा और छठवा तार जो है ये दोनों सा में मिलेगा, वो भी हाई स्केल के यहाँ पे एकदम सा सारे गामा पदनी सा। फिर यही जो लास्ट वाला भी है वो भी सा में मिलेगा, सा 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 सा, आपको यहां जाना है। देखिए मिल गया, ये फिर मैं एक बार थोड़ा अनट्यून हो जाएगा, उसको फिर मिलाइए, दो तीन में मिलाने से एकदम फिर फिक्स हो जाएगा वहाँ पे, वो बार बार वो उतरेगा नहीं या चढ़ेगा नहीं। अब आते हैं पहले तार पे, तो ये जो है ये आपका मध्यम पे मिलता है ये पहला तार जो है, तो जैसे अभी तो सारे गामा, आपको दो तरीका हम बताते हैं मिलाने का, एक तो ये है मा जो अगल बगल के तार है वो थोड़े अनट्यून हो जाएंगे, तो वो सब जब मिल जाएगा तार तो वो एक दूसरे को एडजस्ट करने में भी समय लगता है, तो वो थोड़ा सा कंटिन्यू एक दो बार आपको मिलाना ही पड़ेगा। और जब जब ये मध्यम में पहला तार मिल जाए तो उसके बाद सा पे उंगली रख के आप चेक कीजिए कि ये मिला है कि नहीं, सा ऐसे मिलता मध्यम में है अगर ओपन बजाएंगे, तो जब सा पे उंगली रख के बजाएंगे तो उसमें देखेंगे कि वो सही ट्यून है कि नहीं, दूसरे वाले के भी तार छू के देखेंगे कि दोनों एक सेम में साउंड्स करने लगा। एक और तरीका है, जैसे आप सारे गा मा ऐसे आप अगर नहीं समझ पा रहे कि कहाँ मा है कहाँ प है कहाँ द है, तो आप एक और काम कर सकते हैं, सबसे पहले पहला तार जो है जैसे अनट्यून हम कर देते हैं फिर से, जैसे ये अब अनट्यून हो गया है, तो सबसे पहले आप अपना यहाँ उंगली रखिए और सा पे और देखिए कहाँ है ये, तो काफ़ी अभी डाउन है, इसको और ऊपर चढ़ाइए, फिर देखिए फिर अभी भी नहीं है सा, अभी भी हल्का कम है, हल्का सा और ऊपर जाएगा, आप ऐसे भी मिला सकते हैं, बस सा को देखते हुए आप ट्यून कर सकते हैं। और हाँ, जब जब इसको मिला रहे पहले तार को, तो बार बार तार को थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ बेंड करते रहिए, या ऊपर के साइड भी ऐसे कर सकते हैं, उससे क्या फिक्स हो जाएगा तार एकदम, क्योंकि उतरता रहता है कंटिन्यू। जैसे कि आप या तो फिर दूसरे तार से भी शुरू कर सकते हैं अपने मन में सा रे गा मा पा धा नी सा,
ऐसे करके भी मिला सकते हैं। अगर कोई ऐसे मुंह से गा के या मन में गुनगुना के साथ तो इसे अगर ले लिए, अगर रे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे है या ग नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे है, तो आप पहला तार ऐसे ट्यून करके साफ उंगली रख के उसको सा तक जहाँ तक वो जा रहा है, चाहे हाई है चाहे डाउन उसको जाना है, आप देख के स्केल के द्वारा जैसे डी स्केल में है, उसके बाद ऐसे अगर पहला स्ट्रिंग मिल गया है तो उसके साथ जैसे दूसरा स्ट्रिंग आपको बताया था साम मिलता है तो इसका आप प्रेफरेंस ले सकते हैं सा, तो आप साम मिला लीजिए जोड़ी से जो जिसका तार, इसको पहले तार को बाज की तार भी बोलते हैं, दूसरे तार को जोड़ी की तार बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको समझ में आ रहा है ग कहाँ है तो आप ग यहाँ बजा लीजिए, फिर यहाँ पे ग आप मिला लीजिए जैसे आप गुनगुना नहीं पा रहे तो यहाँ देखते हुए, फिर पंचम पे आ जाइए, फिर उसको छुइए, फिर जो हाई स्केल का सा है ये देखिए, ये दोनों ऊपर तार तार सप्तक के सा पे दोनों मिलेंगे। तो ये ऐसे हम मेनली बताते हैं अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, ये भी एक तरीका है, ये दो तरीके के आप सितार आप मिला सकते हैं। ऐसे तो बहुत अलग अलग तरीके हैं सितार मिलाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मिलाने पे आपको मदद मिलेगा, और अगर ऐसे आप सितार को मिलाएंगे तो प्रॉपरली आप समझ पाएंगे। और जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत ही सितार जितना आपको समझ में आए इसको ट्यून करके ही तभी प्रैक्टिस पर बैठे, वही सही तरीका है, क्योंकि साउंड अगर अजीब आ रहा है उसमें प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो वो एकदम अच्छा ही नहीं लगेगा, फिर वो वाइब्रेशन ही नहीं बनेगा, वो एक वाइब बनना चाहिए तो अच्छा लगेगा उसको फिर आपको बजाने में भी। ये दो तरीका है, चाहे तो आप जोड़ी से शुरू कर सकते हैं या तो आप पहले तार से भी शुरू कर सकते हैं मिलाना, तो ये दो तरीका है मिलाने का। तो आशा करते हैं कि ये जो सितार मिलाने की विधि आपको समझ में आया होगा, और वैसे भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा हो गया आगे बताने में, मैं सोचा था कि एक ही वीडियो में आपको दोनों बता दूंगा, तरफ भी कैसे मिलता है चाहे पहला ऊपर का तार कैसे मिलाया जाता है, तो इस तरफ के तार का वीडियो हम लोग दूसरे लेसन में बनाएंगे और उसमें बताएंगे कैसे तरफ मिलता है। तो आप सभी से इजाज़त चाहूँगा, धन्यवाद।